गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम महेश शर्मा. आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर स्टैंडर्ड 7. टुडे यू हैव टू रीड पोयम. द नेम ऑफ द पोयम इज द रिबल. रिबल का माने होता है जो समाज से कटा हुआ रहता है व्यक्ति. समाज से उसको कोई मतलब नहीं है. ऐसा तो दो ही हो सकता है, या तो साधु हो या कोई चोर डाकू हो. तो यहाँ पर जो रिबल पढ़ना है आपको, यहाँ रिबल का अर्थ होगा बागी या उपद्रवी, जो समाज से कटा हुआ रहता है. घर छोड़ करके, घर बार से कोई मतलब नहीं है, वह समाज के विरुद्ध काम, विपरीत काम करता है. तो आइए देखें. डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिजैग्री विथ यू और योर फ्रेंड्स. क्या आप ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपके दोस्तों से सदा डिजैग्री रहते हों, असहमत रहते हों, और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू, या आप बिल्कुल विपरीत करना चाहते हों जो प्रत्येक आदमी सोचता है या करना चाहता है. Think of a word to describe such a person. Think of a word. ऐसा कोई शब्द सोचो जो वर्णन करता है ऐसे such a person, ऐसे व्यक्ति को. Discuss with your partner. और अपने partner से, सहपाठी से चर्चा करिए इसका. Some of things such a person generally does. जो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर इस तरह की चीजें करता है. नाउ रीड द पोएम. अब हम लोग कविता को पढ़ें. व्हेन एवरी बॉडी हैज शॉर्ट हेयर. व्हेन एवरी बॉडी हैज शॉर्ट हेयर. कवि यहां पर कहता है कि जब समाज के सभी लोग छोटे बाल रखते हैं तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो बागी जो है वह अपने बाल को बढ़ा लेता है, क्योंकि वह समाज से कटा हुआ रहता है, समाज के सामने आ नहीं सकता है सामाजिक व्यक्ति की तरह, इसलिए समाज से छुप करके रहता है, जिसके कारण उसके बाल और बढ़ जाते हैं. तो सभी व्यक्ति जब छोटे बाल रखते हैं तो बागी अपने बाल को बढ़ा लेता है. और व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. यानी सभी लोग जब बाल अपने छोटे रखते हैं तो बागी अपने बाल को बढ़ा लेता है. Next line, when everybody has long hair, और जब सब लोग अपने बाल बढ़ा लेते हैं तो the rebel cuts his hair short. तब बागी अपने बाल को छोटा कर लेता है. तो हम देखते हैं इन लाइनों, पंक्तियों के माध्यम से कि समाज के विपरीत में रिबल जो है वह काम करता है. एवरीबॉडी जब शॉर्ट हेयर करता है तो रिबल है, अपने बाल को बढ़ा लेता है. जब सब लोग सोसाइटी के अपने बाल को बढ़ा लेते हैं तो रिबल अपने बाल को छोटा कर लेता है. When nobody talks during the lesson, when nobody talks, जब कोई नहीं बातचीत करता है लेसन के बारे में, सबक के बारे में, कोई पाठ के बारे में, तब द रिबेल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस. तो बागी वहां पर बाधा उत्पन्न करता है. और when everybody wears a uniform, जब हर कोई अपना पोशाक पहनता है तब द रिबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ. तो जब सब लोग अपना पोशाक में, यूनिफॉर्म में रहता है तो जो उपद्रवी है, जो बागी है, वह फैंटास्टिक माने होता है भड़कीला, ऐसा पोशाक जो देखने में अजीबो गरीब लगे, यानी भड़काऊ टाइप पर. तो सब लोग अब जब अपना पोशाक पहनता है तो बागी भड़काऊ पोशाक में रहता है, भड़काऊ पोशाक पहन लेता है.
When everybody wears fantastic clothes, और जब सब लोग fantastic clothes पहन लेते हैं, यानी भड़कीले कपड़े जब पहनते हैं सब लोग, the rebel dresses soberly, तो रिबेल का पोशाक होता है सोबरली। सोबरली का मतलब होता है पसंदीदा। तो रिबेल वहां पर पसंदीदा यानी अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक विपरीत कर लेता है। इन कंपनी ऑफ डॉग्स लवर्स, और जो कुत्ते से जो प्यार करने वाले हैं, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब कुत्ते से लोग जब प्यार करते हैं, तो द रिबेल एक्सप्रेसेज पर प्रिफरेंस फॉर कैट्स, तो बागी बिल्ली की बिल्ली को वर्णित करता है यानी पसंद करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जब बिल्ली को जो बिल्ली को जो प्यार करते हैं सब लोग सोसाइटी के, तो रिबल पुट्स इन ए गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स, तो रिबल जो है वह कुत्तों के बारे में अच्छे से शब्द बोलता है। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, जब सब लोग सूर्य की कामना करता है यानी धूप की इच्छा जब प्रकट करता है, द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, जब सब लोग धूप चाहता है तो रिबेल वहां पर वर्षा की कामना करता है, वर्षा की इच्छा प्रकट करता है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, और जब सब लोग रेन की जब ग्रीटिंग करता है, कामना करता है, चाह करता है, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, जब सब लोग जब वर्षा की कामना करता है तो रिबेल वहां पर सूर्य की उपस्थिति का कामना करता है। और व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है सभा में मिलने के लिए जाना, व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग, और जब सब लोग जाता है किसी से मिलने के लिए सभा के लिए, द रिबेल स्टे एट होम, तब रिबेल अपना घर पर ही रहता है, एंड रीड्स ए बुक, और किताबें पढ़ता है। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम, जब सब लोग घर पर रहता है, एंड रीड्स ए बुक, और घर पर रह करके किताबें पढ़ते हैं सभी लोग, द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तब रिबेल जो है वह मिलने के लिए जाता है। When everybody says yes please, जब सभी लोग कहते हैं yes please, तब हाँ कृपया, तब रिबेल says no thank you, तब बागी जो है वह धन्यवाद नहीं कहता है किसी को। और When everybody says no thank you, और जब सब लोग धन्यवाद नहीं कहता है, द रिबेल सेज यस प्लीज, तब रिबेल जो है यानी उपद्रवी जो है वह यस प्लीज यानी कृपया हाँ बोलता है। लास्ट लाइन, इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स, इट इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास उपद्रवी है, बागी है। You may not find it very good to be one, परंतु आप अपने को उनमें से एक कर पाएं, ऐसा अच्छा नहीं है। You may not find it very good to be one, यानी किसी एक को अच्छा कर पाएं, यह ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है। That's end the poem. Stay home, stay healthy. Its meaning and question answer will be sent to WhatsApp.